छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टिया पत्रकार और पूर्व सांसद स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि बाजार चौक चंदूलाल चंद्राकर व्यवसायिक परिसर भिलाई 3 में मनाई गई। परिसर में स्थापित स्वर्गीय चंदूलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल मुख्य रूप से शामिल हुए। इस आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के योगदान को उल्लेखित करते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प दिलाया। भिलाई चिरोदा के वरिष्ठ कांग्रेसी सुजीत बघेल ने कहा कि स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर किसान नेता एवं दूरदर्शी नेता रहे हैं। बनाने के लिए 6वीं अनुसूची में लोकसभा में पारित कराने का गौरव इन्हीं को जाता है। छत्तीसगढ़ जो विकास कर रहा है उसके मुख्य प्रणेता चंदूलाल चंद्राकर के होने की बात उन्होंने कही। आज जैसा कि हम लोग सम्माननीय परम पूज्य पूर्व सांसद चंदूलाल चंद्राकर जी के 28वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। चंदूलाल जी एक बहुत दूरदर्शी और किसान समर्थक नेता रहे हैं। चंदूलाल चंद्राकर जो छत्तीसगढ़ के लिए स्वप्न दृष्टा रहे, छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के प्रणेता रहे, 6वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ राज्य का जो संकल्प पारित करवाया लोकसभा में, उसमें चंदूलाल जी का बहुत अनुकरणीय योगदान था। उसके कारण ही नवंबर 2001 में 3 नए राज्य का उदय हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो इसमें आज छत्तीसगढ़ जो इस मुकाम पर है, आज तीनों राज्यों को बने लगभग 21-22 साल हो रहे हैं, पर हमारा छत्तीसगढ़ आज कहीं और है। विकास के दौर में कहीं है, शिक्षा में, जागरूकता में, जनचेतना में। तो ये दूरदर्शी सोच सम्मानित चंदूलाल जी का रहा और आधुनिक कृषि के वो बहुत हिमायती थे, जिसके कारण आज दुर्ग जिला हिंदुस्तान में अपने सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, आधुनिक खेती में अपना पहचान रखता है। जो चंदूलाल जी सन 1984 में जब हम लोग हाई स्कूल में थे, अंजोरा में एक बहुत बड़ा कृषि मेला कराए थे, अंजोरा कृषि विश्वविद्यालय उनका देन। वो दूरदर्शी और विकास परक सोच का एक नमूना था चंदूलाल जी का। और वो हिंदुस्तान टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबार में संपादक रहे हैं, जो उनकी विशेष पत्रकारिता को आलोकित करता है कि छत्तीसगढ़ की भूमि में उतने बड़े पत्रकार कोई नहीं हुए थे। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं और यहाँ से अनेकों बार वो सांसद का चुनाव जीत के दुर्ग जिले का प्रतिनिधित्व किए। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सब आज उनके पुण्यतिथि में नमन करते हैं। भूपेश बघेल जी के आदेशानुसार उनके सुपुत्र के द्वारा आज हमारे छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा चंदूलाल चंद्राकर जी को नमन किया गया है। मैं आज सभी कांग्रेसजन की ओर से चंदूलाल चंद्राकर जी को सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। चंदूलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वरिष्ठ कांग्रेसी सुजीत बघेल के नेतृत्व में इस सूरता श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।